सोलन जिला के बड़ोग में राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती युवा किसान कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इससे पहले वे हिमाचल के राज्यपाल रह चुके हैं। जब वे हिमाचल में थे तो उनके द्वारा प्राकृतिक खेती को बेहद प्रोत्साहित किया गया। वहीं आचार्य देवव्रत को हिमाचल के इतिहास से भी खासा लगाव रहा है, इसीलिए जहां सोलन में आयोजित इस कार्यशाला में युवा किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध करवाई गई, वहीं पछौता आंदोलन के प्रणेता रहे स्वर्गीय वैद्य सूरत सिंह द्वारा लिखित पुस्तक का गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने विमोचन भी किया। इस मौके पर लेखक स्वर्गीय वैद्य सूरत सिंह के पुत्र जयप्रकाश चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वतंत्रता के लिए किए गए अग्रणी आंदोलनों में से एक पछौता आंदोलन भी है। ये आंदोलन 1936 में आरंभ किया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे 1943 में गोलियां चलाकर 69 क्रांतिकारियों को कैद कर लिया था। उन्होंने बताया कि इन कैदियों में से 4 क्रांतिकारियों ने जेल में ही अपने प्राण त्याग दिए, अन्य क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता के बाद आजाद किया गया। इन सभी ने आंदोलन कैसे किया, उन पर अंग्रेजों ने कैसे जुल्म ढाए, इन सभी को इस किताब में लिखा गया है। मैं जयप्रकाश चौहान, पुत्र स्वर्गीय वैद्य सूरज सिंह। हमारे परिवार के लिए आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि वैद्य सूरज सिंह जी द्वारा पछौता आंदोलन पर लिखी हुई पुस्तक का विमोचन महामहिम गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने किया है, तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ इस बात के लिए। और विशेषकर जो हिमाचल कृषि विभाग है, जिनके कार्यक्रम में हमें इस विमोचन का अवसर प्राप्त हुआ, उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। यह पुस्तक वैद्य सूरज सिंह जी, जो पछौता आंदोलन के प्रणेता थे, उन्होंने लिखी हुई है, परंतु वो अस्वस्थ हो गए थे। 1992 में उनका निधन हो गया था, तो उसके बाद उनके जो सहयोगी थे, कुछ हमने जो उनसे सुना हुआ था, इसको पूरा किया गया। तो अभी हमने इसका प्रकाशन इसी साल किया है, और हमारा आज बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य देवव्रत जी ने इसका विमोचन किया है। आचार्य देवव्रत जी राजगढ़ से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और जब से वो राज्यपाल बने हैं तो उनकी राजगढ़ के क्षेत्र पर विशेष कृपा रही है, इसलिए हम उनके बहुत आभारी हैं। पछौता आंदोलन हिमाचल प्रदेश में जो अग्रणी आंदोलन हुए हैं, पछौता स्वतंत्रता आंदोलन के, उनमें से एक है। ये 1936 से शुरू हुआ था, और 11 जून 1943 को ब्रिटिश सेनाओं द्वारा गोली चलाए जाने पर समाप्त हुआ, जिसमें कटुकड़ा गांव के श्री कमलाराम जी शहीद हो गए थे, और 69 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब उनको जेल से छोड़ दिया गया। उनमें से 4 की आंदोलनकारियों की मृत्यु जो है वो जेल में ही हो गई थी, और इसके जो मुख्य संचालक थे वैद्य सूरज सिंह जी, बस्तीराम पहाड़िया जी और चेत सिंह जी, उनको आज़ादी के भी बाद 9 मार्च 1948 को छोड़ा गया था, जबकि आचार्य ईपी कृपलानी जी, जो तत्कालीन गृह सचिव थे भारत सरकार के, वो नहान आए थे रियासत सिरमौर को अपने उसमें मर्जर करने के लिए। उस वक़्त इन 3 आंदोलनकारियों को छोड़ दिया गया था, तो तब से लेकर ये पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाई। तो आज हमारे परिवार ने, सब ने इस पर निश्चय ये किया कि भाई इसको स्वयं छापा जाए। हमारी विशेषकर माता जी जो है, उन्होंने इसमें विशेष आर्थिक योगदान दिया है, हमारे भाई लोगों ने दिया है, और हमारे जो डॉक्टर आचार्य प्रेमलाल गौतम जी हैं, जिन्होंने इनका संपादन किया है, उनके भी हम बहुत आभारी हैं। और इसके साथ हमारे राही जी, ओम प्रकाश राही जी है, हेतराम पहाड़िया जी है, शेरजंग चौहान जी है, उन्होंने विशेष योगदान इस पुस्तक के प्रकाशन में दिया है। मैं आपके माध्यम से उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। पछौता आंदोलन एक बड़ा रेयर आंदोलन है, जिसमें कि भारत 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही, इसमें जो वैद्य सूरज सिंह जी थे, इन्होंने आयुर्वेदाचार्य जो है ऋषिकेश से किया, उत्तर प्रदेश से, तो वहाँ भी जब ये वहाँ से पढ़ के आए तो इनके दिल में, वहाँ उत्तर प्रदेश में, तो बहुत जवाहरलाल नेहरू जैसे
स्वतंत्रता आंदोलनकारी हुए हैं उनके संपर्क में भी रहे, तो उन्होंने सोचा यहाँ भी इस तरह का आंदोलन शुरू किया जाए। तो 1936 में एक बार उन्होंने प्रारंभ किया, परंतु जो यहाँ की स्टेट सरकार थी उन्होंने इसको कुचल दिया। फिर 1941-42 में इन्होंने फिर प्रारंभ किया और 11 जून 1943 को राजगढ़ में ब्रिटिश सेनाओं द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें एक कमना राम जी शहीद हुए और 69 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। इसलिए ये हिमाचल प्रदेश में जितने भी आंदोलन हुए उनमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है पछौता आंदोलन।